बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपने जीवन को एक कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ किया, जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम काम किया और संगठन के विभिन्न दायित्वों पर काम किया, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी प्रदेश की प्रभारी जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है ऐसी श्रीमती विजयताई राठकर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, हमारे विधायक सम्माननीय कालीचरण सराफ जी, गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारी मेयर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सामने मेरे वो युवा साथी जिनके अंदर देश के प्रति जो तरुणाई है, देश के प्रति जो उनका लगाव है, जो आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ी को इस देश के स्वाभिमान और देश की एकता और अखंडता के बारे में घर घर जाकर के इस तिरंगे के माध्यम से बताना चाहेंगे, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, मातृशक्ति सभी को मैं आज इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मित्रों, यह जब तिरंगा जिसे आप हाथों में लेकर के निकलने वाले हैं, यह हमारा स्वाभिमान है, यह हमारा सम्मान है, यह हमारे राष्ट्र का गौरव है और हमारे राष्ट्र के इस गौरव के लिए हमारे उन वीर सपूतों ने अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2022 में वो अमृतकाल और अमृतकाल में जो उन्होंने घर घर तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम रखा, देश की एकता और अखंडता के लिए युवाओं को जागृत करने का काम किया, देश के जन जन को जागृत करने का काम किया, आज हम उसी के माध्यम से हमारी यह तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, हम देश के अंदर हमारा स्वाभिमान, एकता और अखंडता के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है कि आज हम हैं तुम्हारे उन वीर सपूतों की वजह से हैं, हमारे उन लोगों की वजह से हैं जिन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए आहूत कर दिया। आहूत ही नहीं, उन्होंने ये कसम खाई थी कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुखद रहे, समृद्ध रहे, इसके लिए उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया। हमें आज का दिन ये याद दिलाता है कि हमारे राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ाना है और हमारे कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है, और उन कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए हमारे राष्ट्र को दुनिया में सबसे अग्रणी राष्ट्र बनाना है। और यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत दुनिया का सबसे मजबूत भारत बनेगा, 21वीं सदी का भारत बनेगा, और हम सबकी यह कल्पना है कि हमारा भारत दुनिया में सिरमौर बने, और निश्चित रूप से हम 21वीं सदी में भारत को सिरमौर बना करके रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह भी मैंने देखा था वो युवाओं की टोली जिन्होंने सुबह 6 बजे से इकट्ठा होना प्रारंभ हो गए थे, और उन्होंने सुबह ही सुबह
आकर के तिरंगे को लेकर के उन्होंने यात्रा की थी। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से तिरंगे को लेकर के जब चलते हैं एकदम बाहें हमारी फड़क उठती हैं इस तिरंगे के लिए, और हमेशा इस तिरंगे को ऊंचा रखने का काम हमें करना है। उसके साथ साथ हमारे कर्तव्यों को भी हमें ध्यान रखते हुए इस माँ भारती के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति उन कर्तव्यों को भी हमें पूरा करना है। आप सभी से इतना ही कहते हुए, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने व्यस्ततम समय से मां भारती की तिरंगा यात्रा में साक्षी बनने के लिए, भागीदारी निभाने के लिए आए, और आप सब से मेरा निवेदन है कि यात्रा प्रारंभ हम लोग करने वाले हैं पहली पंक्ति में जो मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो रहेंगे, सभी कार्यकर्ता साथ चलेंगे, पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है, भैया एक बार तिरंगे मंच पर लाओ और कार्यक्रम प्रारंभ करो। सभी मंच पर उपस्थित अतिथियों से मेरा आग्रह है कि इस यात्रा के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विजयताई जी, सभी लोग, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बंदे 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 मात्र। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।